हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। आठ चार हो गए, कब होगी स्टार्ट क्लास? इशू, बी पेशेंट गाइस, बी पेशेंट। करमजीत जी, हाँ जी, वेलकम। एम आई ऑडिबल? इज इट ओके? इफ यस देन ऑल राइट, प्लीज राइट यस इफ आई एम ऑडिबल। गुड इवनिंग तलजीत कौर, रिशु, सुखविंदर, रवि, नमस्ते सोहित, हाँ जी, रवि, रमन ही, अरविंदर, कुलदीप, जॉब इंफॉर्मेशन। गुड इवनिंग संगीता, साढ़े पिंड नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है जी, नेटवर्क कोई चक्कर नहीं है जी, कोई चक्कर ही नहीं है। सत श्री अकाल जी, सुखचैन, कुलबीर कौर, ओके, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू गाइस? अगर तुम मैं सुन पा रहे हो और देख तो पा ही रहे हो, क्योंकि मैं भी दिख रहा है मेरे फोन च, अगर सुन पा रहे हो देख पा रहे हो तो फटाफट यस लिख दो। साउंड थोड़ी इंक्रीज कर दो, साउंड इंक्रीज कहां से होगा, लेट मी सी, ठीक है, मैं खुद का ही वो कर लू, लेट मी सी क्या कर सकते हैं अपा। आवाज ओके है? राजस्थान पटवारी, कोई भी पटवारी, कोई भी आ जाए, अपन ने इंग्लिश उसके हिसाब से स्टार्ट करना है, राइट गाइस? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू समीर, वीरपाल, पल्लवी, ऑल ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इंक्रीज हो गया है मेरी ओर से आवाज। चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऑलरेडी 5 मिनट अपन लेट हैं। अंग्रेज बना दो, ओके मनोज, ठीक है, साथ में जुड़े रहो और जो जो बातें बताते, जो मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल, मैंने लाइक जैसे मैंने इंग्लिश सीखा है, आई एम नॉट अ कॉन्वेंट एजुकेटेड, जो मैंने जैसे सीखा, जैसे मैंने खुद को अपनाया, वो मैं आपको क्लास में रोज बताते जाऊंगी कि मैंने किस तरह से खुद को इम्प्रूव करा और कैसे इस स्टेज तक खुद को लाया, राइट? आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस टू यू डेफिनेटली। स्वैग स्टाइल, ओके, रुपिंदर कौर, स्मित बरिया, हाँ जी कर रहे हैं डियर, आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा हो जाता है कि टेक्निकल, हम 1 घंटे से ही सर मेरे को टेक्निकली चीजों की सेटिंग करवा रहे थे, बिकॉज ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं अब तो, बट ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई टेक्निकल सिस्टम सेट करने बैठते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, यू नो दिस थिंग, है ना? सो गाइस कीप पेशेंस, हो सकता है पहली क्लास है, 5 मिनट हो भी, लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कीप पेशेंस, है ना, ठीक है, मिलने या करना कि पढ़ना ही, इसके बाद पढ़ते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, की पेशेंस, बस थोड़ा पेशेंस, कोऑपरेशन एंड पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, राइट? आपके टीचर खुद ही लेट हैं, तो आपको अलाउड नहीं है लेट होना, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो डेफिनेटली। चलो गाइस, ओके, ठीक है गाइस, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो अब मेरे साथ, अब आप फटाफट से क्या करना है आपको पता ही है, मतलब इस बटन को प्रेस करना बहुत जरूरी है मेरी क्लास में, पता है आप सबको, ठीक है, इसका डिमांड हमेशा रहता है। गुड इवनिंग कुलदीप कौर, जसप्रीत, सोनिया, पल्लवी, ओके, चलो गाइस फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, लिंक को शेयर कर दो, एंड जो भी करना होता है, लाइक जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो कर दो, मेरे को वो नहीं आती, आई डोंट नो, सब्सक्राइब करना, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू वो कर दो, ठीक है। चलो, हेलो संजीव, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गाइस अपनी फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सी हम बातें करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज ये भी एक टीचिंग का पार्ट है ना, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम ग्रेटफुल टू गिल सर, आई नो गिल सर भी बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करके ही वो इस प्लेटफॉर्म तक आए हैं, आई नो हिज जर्नी की किदा उन्होंने बठिंडा चुई, असी इकट्ठे भी सी बहुत साल पहले, इकट्ठे भी पढ़ाया सी प्लेटफॉर्म से, सी कुछ टाइम भी पढ़ाया सी, उदो तक सर नाल एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, राइट, तो सर बठिंडा तो चले गए, चंडीगढ़ चले गए, एंड आई एम इन बठिंडा, आई एम टीचिंग हियर। चलो गाइस हुन टाइम वेस्ट ना करते हुए आप क्लास नु स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल रमनप्रीत, रवि, ओके, पायल, ओके, समीर, मोहित कालर, कंप्लीट इंग्लिश, कितना टाइम लगेगा मैम? और मोहित रुक जाओ, वही थोड़ा बातें कर ले, थोड़ा कुछ लाइक इंट्रोडक्शन कर ले, पहली क्लास है, 10 मिनट तो मुझे खाने खाने आपके, डेफिनेटली आपको 10 मिनट तो देने पड़ेंगे, इसके बाद आप रुकेंगे नहीं, इसके बाद कोई फालतू बात नहीं, सीधा काम की बात पे करेंगे, ठीक है। अस्सलाम मैम, अस्सलाम, वालेकुम सलाम, हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे को, कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपने नेटवर्क के लिए थोड़ा, है ना,
सिम विम चेंज करके देख लो अगर कुछ होता है तो। ठीक है, जसवीर सिख होम वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल दलीप, सत श्रीकाल। चलो गाइस अब मेरे को ये काम है, फोन छोड़ना पड़ेगा, मुझे मेरा फोन छोड़ के नीचे रख के आपसे बात करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जो भी आएंगे उनका वेलकम करेंगे, राइट। चलो गाइस अब एक बात सुनो अच्छे से ध्यान से, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास आपको पता है कि इंग्लिश का क्लास मंडे एंड ट्यूजडे रहेगा, राइट, दो दिन। और गाइस अगर आपको कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दो दिन सफिशियंट नहीं है क्लास के लिए, ठीक है, दो दिन में नहीं होता, गाइस पढ़ने वाले के लिए एक घंटा दो घंटे अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप और उसके साथ ही उसके रिलेटेड आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेशन बहुत अच्छा जाया करेगा और आपके पास टाइम भी हुआ करेगा। एंड ऑफ द सेशन लाइक ट्यूजडे को, एंड ऑफ द सेशन मंडे ट्यूजडे के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस टॉपिक के रिलेटेड ही आपको वर्कशीट मिला करेगी, राइट, जिसमें कि आपके पास नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हुआ करेंगे। एक टॉपिक जो मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको कवर करवाऊंगी उसमें आपको 100 क्वेश्चन कवर करने होंगे, डेफिनेटली आप करोगे। जब आप वो 100 क्वेश्चन उस कंसेप्ट के रिलेटेड ही कर लोगे तो आपको उस टॉपिक आप मान के चलो आप 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कंटेंट इतना हो जाएगा और उसके बाद आपको कभी भी वापस वो वाला टॉपिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट्स इन माय नेचर कि मैंने एक टॉपिक को कभी भी लाइक एक या दो दिन में तीन दिन में वाइंड अप नहीं करा है। इट्स माय हैबिट कि जैसे मैंने टीचर्स अपने से सीखा था भी कितने डेज में मुझे करवाते थे, मैंने वही से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो, एंड दिस इज सोनिया अरोड़ा गाइस, एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 8 इयर्स। और ये नहीं है कि मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने हर एक तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया अपने करियर में, हर एक तरह से। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने सिर्फ इंग्लिश का एक पैशन था, एक जुनून था कि इंग्लिश मुझे करना है और इंग्लिश मुझे समझाना है, इंग्लिश मुझे पढ़ाना है, बस इतना पैशन था दिमाग में, इतनी चीज मुझे क्लियर थी और मुझे कुछ नहीं पता था। व्हेनेवर माय फ्रेंड्स आस्क मी कि आपको लाइफ में क्या करना है, व्हाट यू वांट टू बी, तो मेरा एक रिप्लाई होता था कि मुझे तो इंग्लिश पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाना है। ठीक है, तो कभी मैंने और किसी चीज के लिए सोचा ही नहीं, मैंने इस सब्जेक्ट को अपनी लाइन चूज करके पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने स्कूल स्टूडेंट्स को, एमए वाले को, बीए वाले को, हर एक तरह के स्टूडेंट को टीच कर दिया और बहुत इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम करा बठिंडा में, राइट। तो इसके बाद अभी ऑनलाइन का अपॉर्चुनिटी मिला कि चलो ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं, तो मैंने ऑनलाइन अभी स्टार्ट कर दिया। ठीक है गाइस, तो चलो ये तो बात थी अपनी कितने साल से पढ़ा रहे हैं, पता होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा पैटर्न आता है, कैसा पैटर्न सेट करते हैं एग्जाम में, राइट। और चलो अगली बात जो मुझे जरूरी आपसे करनी थी कि कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होंगे कि मैम क्लास हिंदी में होगी, क्लास पंजाबी में होगी या फिर क्लास इंग्लिश में होगी गाइस। ठीक है, तो जेडी अपनी क्लास होगी वो तीनों लैंग्वेज होगी। पहला तो एक गल मैंने दसो, इंग्लिश इंग्लिश में ही होगी, इंग्लिश पंजाबी में किवें होगी, सारा कुछ ही हो जाएगा जी। ठीक है, ओके लिसन, एक मिनट आप बात सुनो गाइस मेरी, एक बात सुनो। ठीक है राजू, हाँ जी मैम पंजाबी च कर दो, लिसन गाइस एक बार तुसी गल सुनो मेरी अच्छी तरह। क्लास अपनी आपां तीनों लैंग्वेज कंटिन्यू करांगे, मैनू किसी लैंग्वेज च कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज स्लो है, की करिए हुण, आवाज क्यों स्लो है, मेरा माइक भी ओके है, आवाज क्यों स्लो आ रहा है तुहानू गाइस? थोड़ा ईयरफोन लगा लो, कुछ एडजस्ट कर लो, अज पहला दिन है, टेक्निकली कुछ हो सकता है। मैंने बहुत एक घंटा लगा के सारा सर ने मैनू सैटअप करवा के दिता सैट। ठीक है गाइस, चलो हुण सुनो गल, तुसीं एक गल दसो कि पंजाब दे अगर किसी एग्जाम की गल करिए तां तुहानू पंजाबी च कोई बहुत ज्यादा एग्जाम दिखते कोई लैंग्वेज, यस और नो? कोई तुहानू एग्जाम पंजाबी च दिखिया? पंजाबी च कोई एग्जाम नहीं दिखता आपां नूं, बहुत रेयरली कोई एक दो एग्जाम नूं छड्ड के, सारे एग्जाम आपां इंग्लिश ही करदे आं, अटैम्प्ट करदे आं। हिंदी च हुंदा, हिंदी सानूं समझ नहीं आती, सीधी गल है। मेरे वर्गे इंसान नूं हिंदी दी टिपिकल लैंग्वेज नहीं समझ आती क्योंकि मैनूं लगदा कि मैनूं पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश ही बहुत अच्छी तरह आती है, राइट। तो गाइस मैं अगर तुहानूं दसना चाहवां कि तुसीं की करो, जदों तक आपां इंग्लिश नूं अपनी हैबिट नहीं बनांदे, पहला सब तो पहला आपां की करना, अपने ईयर्स नूं इन्ना को यूज टू बनाओ कि तुहानूं इंग्लिश समझ आनी शुरू हो जाए, समझ लो। मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल तो पढ़ के गाइस, मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल तो स्टडी किया है, मैंने कोई कॉन्वेंट स्कूल तो, मेरी स्टार्टिंग दी जिहड़ी स्कूलिंग सी एक होर स्कूल तो सी, उस तो बाद अगले स्कूल च चले गए तो उत्थे कोई इन्ना बहुत अच्छा माहौल नहीं सीगा। तो गाइस मैंने भी अपने आप नूं, अपने ईयर्स नूं यूज टू किया है कि किवें मैंने हॉलीवुड मूवीज देखनी है, किवें मैंने ऑडियो बुक सुननी है, किवें मैंने इंग्लिश नूं पढ़ना है, मैंने अपने अपने ईयर्स नूं यूज टू किया है, ता ही मैनूं सामने वाली इंग्लिश समझ आती है, ता ही मैनूं इंग्लिश बोलनी आती है, ता ही मैनूं इंग्लिश पढ़ानी आती है, राइट। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की गल करो तो सब तो जरूरी तुहानूं यह कहना चाहिए कि मैम
आपा क्लास इंग्लिश रखो अद्धी समझ आऊगी कोई चक्कर नहीं समझ तो आऊगी समझने की कोशिश नहीं करा आप कि आऊगी दसो राइट पंजाबी तो समझ आती है सानू तुसी इंग्लिश इंग्लिश च अपने आप नू इन्ना को यूज टू बनाओ कि तुसी दिन च ना 15-20 मिनट की सुबह 15-20 मिनट की शाम नू इंग्लिश जरूर सुनिया करो बट हाँ अगर मैं बोला अंग्रेजा वाले चैनल सुनने हैं वो नहीं सुनने आपा वो तो उत्तों दी टप पे तो वेस्टिंग ऑफ बिल्कुल टाइम है वो नहीं सुनने गे अपने इंडियन चैनल सुनो ठीक है गाइस इंडियन चैनल सुनो जो टाइटल आते नीचे मूवीज है वो जरूर रीड आउट करो अगर तुसी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो मैं तो सारे स्टूडेंट्स नू लेके चलना एक स्टूडेंट लेके नहीं चलना सो गाइस तुसी भी कोऑपरेट करना है आई जस्ट वॉन्ट की थोड़ा जहा कोऑपरेशन तुसी भी करो राइट अगर तुसी कोऑपरेट करोगे आई एम ऑलवेज हियर मैनू कभी भी डीमोटिवेशन नहीं मिलेगा आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन मेरे च कभी नेगेटिविटी नहीं आती आई एम नॉट नेगेटिव पर्सन ठीक है तो मैं चाहनी तुसी भी ऐसा बनो कि जिवें दा एटमॉस्फेयर है उवें दा ढाल लोक बनो अगर अच्छा है तो अच्छे नू थोड़ा एक्सेप्ट करो अगर किसी टाइम कोई चीज खराब है तो खराब नू भी एक्सेप्ट करो ठीक है हमेशा कंप्लेंट्स करन नाल लाइफ नहीं चलती ठीक है गाइस हुण आपां टाइम बहुत ज्यादा लगा लिया ठीक है लैंग्वेज चंगे को ज्यादा एग्जाम टू लैंग्वेज विच ऑन द एग्जाम हां जी बिल्कुल आपां अपने आप नू मनदीप कौर हां जी आपां अपने आप नू कोशिश करदे हां कि आपां इंग्लिश एंड मोर ओवर पंजाबी हिंदी सारे ही अपने आप नू यूज टू करिए तो चलो गाइस हुण आपां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करदे हां ठीक है जी एक गल चंगी तरह सुन लो ऑलरेडी इस नोटोरियस वायरस ने बहुत गा पा रखे है राइट इस नोटोरियस वायरस ने बहुत ज्यादा गा पा रखे है अपनी लाइफ च कुछ आ ले आ रखे है ठीक है बट अपने को बॉदर नहीं करना अपने को तो पढ़ना है और पढ़ना ही है डेफिनेटली एक फटाफट से स्माइल पास कर दो अब इसके बाद अपन नॉन स्टॉप पढ़ने वाले ठीक है आज की क्लास के हम कुछ वर्ड्स करेंगे एडिटोरियल वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको करने हैं और सीखने पड़ेंगे डेफिनेटली सीखने पड़ेंगे गुलशन गुड इवनिंग राजू हां जी मधु वेरी गुड इवनिंग गौरव बत्रा वेलकम गौरव स्टार्ट करो हां जी बलविंदर ठीक है आज पहला दिन है तो हमें लगा कि थोड़ी सी बातें कर लें जरूरी है ठीक है इसके बाद मैंने आपको आपने देख लेना क्लास में चलते चलते बातें शुरू कर देनी और मैंने आपको करने नहीं देनी मैंने बोला आप हट जाओ क्योंकि कल की क्लास है आज मैंने जितना करवा दिया जितने न्यू वर्ड्स करवा दिए उतने आपको कल रिवाइज करके मुझे बताने होंगे राइट गाइस आपके लिए होमवर्क मैंने सेट कर दिया है होमवर्क का पीडीएफ बना के कंटेंट रेडी है आपका बस आप रेडी हो आप स्टार्ट करके अच्छे से चलाते और भगवान का नाम लो कि आप इससे भी ज्यादा तरक्की करें ठीक है इससे भी ज्यादा ऊपर जाए राइट चलो गाइस ओके वेरी गुड गुजोत आई एम वेल चलो मैंने यहाँ पे लिखा अब वोकैब के वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ठीक है गाइस वोकैब के वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो करने ही करने शगन है मेरी क्लास का मुझे इससे बिना क्लास शुरू करने की आदत नहीं है सीखने है तो ठीक है नहीं सीखने तो भी ठीक है सीखने ही पड़ेंगे आपके आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है चलो नोटोरियस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटोरियस नोटोरियस होता है कि जिसकी बैड रेपुटेशन अगर मैं बोलूं कोरोना इज अ नोटोरियस वायरस इसका मतलब क्या है कोरोना एक इल फेम्ड जिसकी रेपुटेशन क्या होती है बैड रेपुटेशन ऐसा एक वायरस है राइट नोटोरियस वर्ड का मीनिंग सबको पता ही होगा आई थिंक सो जैसे एक ब्लैक डेथ नाम का वायरस आया था तो अगर एक ब्लैक डेथ नाम का वायरस आया था तो गाइस क्या आपको लगता है कि उसने दुनिया रोक दी क्या उसके चलते कोई पेपर रुक गए थे जॉब रुक गई कि उसके इसके चलते लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ बैड रेपुटेशन राइट बैड राइट हाँ जी बिल्कुल ओके बदनाम गुड नोटोरियस मींस नॉट फेमस नहीं ज्योति फेमस तो रजे होता है बट इन बैड सेंस फेमस होता है जो कोई उसको बोल देते हैं राइट बैड सेंस में नोटोरियस उसको बोला जाता है चलो गाइस गब्बर इज नोटोरियस ओके सो इट ठीक है वेरी गुड ओके बैड रेपुटेशन गब्बर चलो गाइस देखते आगे अगर मैं बोलूं मैंने आज एक नया वर्ड सीखा आप भी सीख लो फटाफट से इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल वोकैब का वर्ड है कोरोना इज ऑन कस्प अब मुझे ये नहीं पता बोर्ड कितना दिख रहा है लेट मी सी दीज गाइस आपको बोर्ड दिख रहा है थोड़ा डाउटफुल है चलो दिख ही रहा है ठीक है टेढ़े मेढ़े दिख ही रहा है चलो ठीक है कोरोना इज ऑन कस्प दीज डेज अब इस वर्ड का मीनिंग बता दो जल्दी से कौन सा टॉपिक करने आप सेंटेंस एनालिसिस करेंगे सेंटेंस को फ्रोल के रख देंगे अपन सारा ठीक है
सेंटेंस का टॉपिक करेंगे अपन। हाँ जी, सेंटेंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले उससे थोड़े वोकैब के वर्ड कर लो, अगर इंग्लिश क्लियर करनी है तो वोकैबुलरी के लिए यूज टू करना ही पड़ेगा अपने खुद को, ठीक है गाइस। तो चलो फटाफट एक कस का मीनिंग मैंने लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया, बोलो जी जल्दी से कस का मीनिंग बताओ। वेरी गुड, पीक, ऑन पीक, राइट, ओके, बिल्कुल। अब इसके लिए कुछ सिनोनिम बोलो जल्दी से, सिनोनिम देखते हैं। राइट, गूगल नहीं करना है किसी को, चीटिंग नहीं करना है, राइट, चीटिंग नहीं चलेगा क्लास में, राइट, मुझे चीटिंग पसंद नहीं है, आपने लिख देना। चलो, कोरोना इज ऑन कस्ट दीज डेज, तो मैंने यहाँ पे सेकंड वर्ड लिख दिया कस्ट। कस्ट वर्ड का मीनिंग होता है पीक, अपेक्स, टॉप, पिनेकल, राइट, और इसको क्या बोलते हैं, जेनिथ। अब तक मैंने जब अब इतना टाइम होगा पढ़ाते हैं, मुझे ये वाले वर्ड सारे पता थे, बट आपकी क्लास के लिए मैंने एक नया वर्ड ढूंढा, न्यूज़पेपर में से ढूंढा, एडिटोरियल वोकैब में से ये वाला वर्ड ढूंढा, कस्ट, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वोकैब में, ठीक है। तो भूलना नहीं, कस्ट वर्ड एक नाउन है, इतना याद कर लो, ठीक है। एक चीज और गाइस मैं आपको बताऊं कि मैंने क्लास में वोकैब के वर्ड के साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बताते जाना है उसका वर्ड का, कि नाउन है, एडजेक्टिव है, कौन सा है, ठीक है। आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे व्हाट एवर यू वांट टू डू, नोट करने, मैंने बोला नोटबुक जरूरी है मेरी क्लास में, नोटबुक जरूर लेके बैठा करो, राइट। हाईएस्ट, हेड, टावर, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन, ऑन सर्ज, बिल्कुल, इसको सर्ज भी बोलते हैं मंदीप, राइट, वेरी गुड। अप सर्ज भी बोलते हैं, सर्ज भी बोला जाता है, अप सर्ज भी। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से है, पिनेकल, पिनेकल को स्टार्ट दिया मैंने, अप सर्ज बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, जेनिथ एंड अपेक्स। कस तो फिर इम्पोर्टेंट है, ये आजकल लेटेस्ट वर्ड है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, वर्ड जैसे ही वर्ड आते हैं सामने तो एडिटोरियल को कैमरे देखने को ये मिलता है, पहले ना ये वर्ड बहुत ज्यादा वर्ड ये वाला चल रहा था, मतलब इस दोनों वर्ड की पूरी मारामार थी, मैंने जब भी एडिटोरियल देखा था उस ये वर्ड पूरे चक रखे थे उन्होंने, पूरी इन्होंने हवा दे रखी थी, बट क्या हुआ, आजकल जो चल रहा है उन्होंने इनको छोड़ के इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। So, मैं जो भी आपको वो कैप के वर्ड करवाऊंगी, आई विल गिव यू द लेटेस्ट वर्ड, द ट्रेंडी वर्ड, ठीक है, क्योंकि पुराने हम उसके सिनोनिम साथ साथ जरूर करेंगे, बट जो लेटेस्ट अभी चल रहा है ट्रेंडी वर्ड है वो आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड, भी कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, क्लोज टेस्ट आता है, वो सारा उसी के ही रिलेटेड आता है। इज इट राइट गाइस, बेकार नहीं, कमेंट ना करो, टाइम खराब होता है। हाँ जी बिल्कुल, टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, पहला दिन है, होता है थोड़ा सा कि चलो ठीक है, है ना, बात करें आपस में, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके है। चलो नेक्स्ट, अगर बात करूं लेटेस्ट वर्ड जो चल रहा है इन दिनों में, वो वर्ड क्या है, डीन, डी डबल ई एम, डी वर्ड चल रहा है, थर्ड नंबर वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे डी, ठीक है। अगर मैं बोलूं You should deem my lecture. तो इसका मतलब क्या है? Deem मतलब क्या होता है? Deem मतलब होता है consider करना. Deem मतलब क्या होता है? Consider करना. Right? Consider. तुहानू की करना चाहिए, तुहानू इस टाइम लेक्चर ते consider करना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन करना चाहिए, मेरे लेक्चर नू consider करना चाहिए. Right? ठीक है? तो like button नू भी consider करना चाहिए. Deem मतलब की होता है? Consider करना. Deem मतलब consider. ठीक है, ध्यान में करना, इसका कोई और सिनोनिम किसको आता है तो बताते हैं जल्दी से। राइट, फॉलो, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहना, आपको बढ़िया पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला दिन है, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट फोर वर्ड लिखा हमने, पार्ले, पार्ले बिस्किट खाते हैं, पार्ले बिस्किट खाते हैं, हाँ जी, पार्ले बिस्किट खाते हैं, पार्ले बिस्किट, पंजाबी मीनिंग भी दस दिया करो मैम प्लीज, रजे अपना पंजाबी, अपना अपने आपको यूज टू करें हिंदी और उसमें, ठीक है। चलो, कंसीडर करना किसी चीज पे, फोकस करना किसी चीज पे, ध्यान करना, अब मेरे को पंजाबी नहीं आएगी इतनी डिटेल में, बनानी नहीं आएगी, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ जी, इतना पंजाबी में मत पूछना कि मैं वैसे कंफ्यूज हो जाऊं, पंजाबी के मीनिंग ढूंढते ढूंढते या बोलते बोलते, ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, ठीक है।
चलो पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट खाते हो ऐसे बना लो, पार्ले जी से बना देते हैं इसका लिंक हम। पार्ले जी बिस्किट के लिए क्या हो गया, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बैठा ली, कॉन्फ्रेंस बैठाई, कॉन्फ्रेंस होना बातचीत होना, बिटवीन ऑपोजिट, बिटवीन ऑपोजिट पार्टीज, ऑपोजिट पार्टीज दे बिटवीन क्या होना, पार्ले मतलब कॉन्फ्रेंस होना, कॉन्फ्रेंस होना, ठीक है गाइस, ओके कलेक्शन, ओके इंग्लिश बहुत टफ लगती है सिखाना, कोई बात नहीं, आप डियर टेंशन मत लो, कॉमन प्लीज आप रिलैक्स होके जितना करवाते जाओ उसको, बस उसको ग्रास्प कर लो, उसको क्या कर लो, ग्रास्प कर लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रास्प वर्ड, ठीक है ग्रास्प, पहले इसका आप सिनोनिम कर ले। पार्ले बिस्किट के लिए दोनों कंपनीज के बीच में एक थोड़ा डिस्प्यूटेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑपोजिट पार्टीज के बीच में कि किसको इसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है, राइट पार्ले बिस्किट के लिए, क्योंकि पार्ले बिस्किट सब बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बच्चों में फेमस है ना, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, राइट क्लियर, तो पार्ले बिस्किट के लिए सबके बीच में क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होकर कॉन्फ्रेंस हुआ बिटवीन टू ऑपोजिट पार्टीज, दो ऑपोजिट पार्टीज के बीच में, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट मैंने लिख दिया कोलो क्यू, कोलो क्यू इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आजकल नया वर्ड चल रहा है, कोलो क्यू राइट, स्पेलिंग अच्छे से नोट कर लो, सी ओ डबल एल ओ क्यू यू वाई, यहाँ पे ओ ऐड कर लो, स्पेलिंग की समस्या रहेगी कभी कभी आपको, मुझे खुद को बड़ी समस्या है इसकी, राइट इस वर्ड को आप स्टार दे लो, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है आजकल ये वाला वर्ड, देखो नया मार्कर भी यूज करना शुरू कर दिया आपने आज, भगवान का नाम लिया और नई नई चीजें भी शुरू कर दी। हाँ जी गाइस ओके, यहां तक आपको दिख रहा है ये वर्ड विजिबल है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रास्प, ग्रास्प कर लेना किसी चीज को, कैच कर लेना, ग्रास्प कर लेना किसी चीज को, कैच कर लेना किसी चीज को, कैप्चर कर लेना, गेन करना किसी चीज को, नया वर्ड भी आपके माइंड में तो फटाफट से लिख दो, कोई भी नया वर्ड आपके पास है ग्रास्प करने का, ग्रास्प करना, स्नैच कर लेना भी होता है, व्हेनेवर वी लाइक स्नैच समथिंग छीन लेना बोल देते हैं, सीज, सीज बोल देते हैं इसको, ठीक है, कैप्चर कर लेना, नैब दबोच लेना, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, छीन लेना किसी चीज को, खो लेना, राइट, उन्हें क्या रहता है, ग्रास क्रैच कैप्चर नैब गेन स्नैच एंड सीज, अगर कोई रिपीट हो गया तो हटा लेना गाइस, ओके ठीक है। हाँ जी डेली होगी मंदीप क्लास, बाद में भी देख सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि बाद में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, ऑब्जर्व बाद में भी देख लेंगे, आप आ जाया करो भाई, लाइव पढ़ने में ज्यादा मजे आते हैं, बाद में क्यों दिखानी है किसी को, जो आएगा आप उसी को ही दिखाएंगे क्लास, ठीक है। ग्रैपल वेरी गुड क्वेश्चन, ओके कलेक्ट कर लेना गाइस, पहले अभी पढ़ लो यार, पहले आप पढ़ लेते हैं ना, बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, आप प्रेजेंट हो तो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, लेट देम गो टू नोटबुक लेके बैठ जाएगा, बहुत टाइम मिलेगा वो करने को, ठीक है, नोटबुक में जरूर लिख दिया करो क्लास में जो भी वर्ड। हाँ जी ग्रैपल वर्ड एक लिखा था, पिकअप कर लेना, राइट, सीज और नैब इन, हाँ जी नेगेटिव सेंस में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है, ग्रैपल वर्ड जरूर लिख लो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अभी ग्रैपल वर्ड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रैपल, ठीक है राइट। तो चलो गाइस ओके, इज इट क्लियर, हो गया अपना ग्रास, पार्ले 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 बिस्किट के लिए कंपनी के बीच में दो ऑपोजिट कंपनी के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ कि किसको इसका मेंबरशिप लेना है, किसको इसको आगे चलाना है, किसको इसको आगे बढ़ाना है, राइट, एंड डीम, डीम मतलब कंसीडर, फोकस करना, भाई लाइट डिम हो जाती है जब, बना दो लिंक खड़े खड़े, आदत बनाओ वर्ड्स के लिंक बनाने की, निमोनिक्स लगाने की, लाइट जब डिम हो जाती है तो हमारा फोकस हमारा कंसीडरेशन बिगड़ जाता है किसी चीज से, ठीक है, अपना ध्यान हट जाता है उस चीज को, इज इट क्लियर, ठीक है, हो गए ओके वर्ड, कमेंट्स अवॉइड करो, कोई बात नहीं सुमित, कोई बात नहीं, कमेंट्स देखने पड़ते हैं, लाइव क्लास का मतलब यही होता है कि सो दैट यू मे कन्वे योर थॉट्स टू मी, राइट, और
मुझे पता चल जाए कि आपको आप कंफर्टेबल हो, आपको समझ में आ रहा है, ये कनेक्टिविटी का सोर्स है। बस ये होता है कि क्लास जब अपन देखो ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते हैं, मैं ऑफलाइन बैचेस जब लगाती हूँ क्लास में, ठीक है, कितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं, 100 बच्चा बैठे मान लो क्लास में, जब आप ऑफलाइन क्लास लगाते हैं तब भी ये थोड़ी ना कि अपने एक घंटे क्लास में एक घंटे के बाद लगातार पढ़ लिया, नहीं होता ऐसे। एक घंटे की क्लास में 45 मिनट कंटेंट करते हैं, 15 मिनट आपस में अपन डिस्कशन में डाउट्स में बातों में चला जाता है ना, इज इट क्लियर। तो वही सेम चीज है, अगर हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, इंग्लिश इतनी वाहियात लैंग्वेज है ना, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए इतनी, मतलब क्या बोलू, इतनी नोटोरियस लैंग्वेज है ना, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब मेरा डीम किसी का भी डीम इससे हट सकता है, डीम हट सकता है मतलब डिम हो सकता है आपका ध्यान, दिमाग की बत्ती मतलब डिम हो सकती है, क्यों भाई, ओखी लैंग्वेज है भाई। अगर मैं आपते ही ना सीधे बताऊं बात, अगर मैं आपते ही बोर्ड पे चल हो गया वर्ड, एक वर्ड दो वर्ड पांच वर्ड सात वर्ड लिख दूं ना, सच्ची में आज अगर आप यहाँ पे 103 पता नहीं 5 लोग हो ना, कल की क्लास में आते रह जाओगे और मिन्नतें करनी पड़ेगी, आज पढ़ लो, मतलब इंग्लिश इतनी लगती है लोगों को टफ। तो मुझे सबको देखना है, आराम से पढ़ो और रिलैक्स होगी, जितना मिलेगा कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी सेल्फ स्टडी साथ साथ करते रहो, ठीक है गाइस। पिकअप हो सकता है, हाँ जी कमेंट अवॉइड करो, पिकअप हो सकता है, इंग्लिश इज वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेज, वेरी गुड। यहाँ पे एक मिस्टेक करी आपने, मैं बाद में बताती हूँ, अगले अपॉज में करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एग्जॉल्टेड, किसी को मीनिंग पता है तो फटाफट से बता दो, एग्जॉल्टेड। आई लस्टर ही गुम कर दिया, यू नो कल हमारे घर पे फ्रेंड्स आ रहे थे एंड किड्स वर प्लेइंग, किड्स यहाँ पे बोर्ड पे अपना लिख लिख रहे थे और आई डोंट नो कि मेरा लस्टर कहाँ गायब कर दिया उन्होंने, राइट, अब मेरे पास लस्टर नहीं है यहाँ लिख करने को। चलो नेक्स्ट वर्ड मैंने लिख दिया, आई थिंक 6 नंबर वर्ड है एग्जॉल्टर, फटाफट से मीनिंग बताओ, चीटिंग नहीं करना, गूगल नहीं करना, चीट नहीं करना, चीट वर्ड को और क्या बोलते हैं, चीट वर्ड को जल्दी से बोलो, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेजेस, मैडम जी पंजाब बोर्ड दे हिसाब नाल पढ़ाओ, वॉइस च बहुत प्रॉब्लम आती है, आप रिलैक्स हो गए अभी ना, टेंशन मत लो, पर जो पढ़ेंगे क्वालिटी वाला पढ़ेंगे बिल्कुल, और नबेड़ना नहीं है मुझे कोई काम, आराम से करो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड इसका मतलब होता है एट अ हाई लेवल, एट ए हाई लेवल, पूरे हाई लेवल पे, ठीक है, एग्जॉल्टेड। और एक आपको पते की बात बता दूं, जो वर्ड कुछ वर्ड ज्यादातर ईडी के साथ खत्म होते हैं वो एडजेक्टिव काम भी करते हैं, विशेषता बताते हैं, ये अब किसी चीज की विशेषता बता रहा है, साथ साथ मैं आपको ट्राई करा करूंगी थोड़ा थोड़ा बताते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये चीजें कहां से बता रहे हो, मतलब यूज टू नहीं है हम लोग, धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, जो चीज नहीं समझ आती कोई बात नहीं, कोई स्किप कर दो, आगे लेक्चर में समझ में आएगी, आगे में जैसे जैसे हम करेंगे, ठीक है। एग्जॉल्टेड मतलब एट ए हाई लेवल, पूरे हाई लेवल पे। चीट को और क्या बोल सकते हो, चीट को योर कॉपी फ्रॉड जेनिथ सुपीरियर हाई डिसीव ओके प्रेस्टीजियस, ठीक है ओके, चलो यहाँ पे सही करो वर्ड को, चीट मतलब क्या करना, हॉक्स, फॉक्स वर्ड को आप स्टार दे दो गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया, हॉक्स वर्ड बहुत ज्यादा होता है, हॉक्स वर्ड, हॉक्स मैगजीन्स हम लोग कहते हैं, हॉक्स मैगजीन्स आर वेरी फेमस इन दीस डेज, तो उस सेंस में हम हॉक्स वर्ड को यूज कर लेते हैं, इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है इन वर्ड्स में, चलो एक वर्ड और करते हैं हम लोग, 8 नंबर नज, नज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नज, नज का मतलब होता है किसी को लाइक कॉक्स करना, देखो हॉक्स मतलब चीट, कॉक्स मतलब किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना कुछ काम करने के लिए, किसी ने आप मतलब मक्खन नहीं लगा देते मना लेने काम करने लिए, ओनू कहते हैं, ठीक है, हॉक्स इसका मतलब नज, नज देखो परसुएड राजी करना, किसी को बहलाना फुसलाना, किसी को पैंपर लगाना बटर लगाना, ठीक है, और अपनी बात मनवा लेना, राइट,
ठीक है, एक्ट ऑफ रिसीविंग इज कॉल्ड चीट, हाँ जी बॉक्स कॉल, ठीक है मैम। क्या पेड कोर्स में भी आपकी क्लासेस होंगी? हाँ जी पेड कोर्स में, स्पेशल कोर्स में भी क्लासेस होंगी अपनी, ठीक है। हाँ जी पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल सोहित मिलेगा, ठीक है मिलेगा। जो का टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले उसका पीडीएफ मिलेगा। चलो नज नज बोलो नज, ठीक है। नज मतलब cox, persuade someone to do something, and next word है मेरे पास यहाँ पे cheat करना, sorry cox, persuade, cox मतलब किसी नू कैजोल काजल लगा के दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना। काजल लगा के दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना मतलब किसी को बहला लेना, किसी को फुसला लेना। काजल लगा के दूसरा नु अपने वाल अट्रैक्ट करना मतलब अपनी गल मना लेनी। गर्ल्स तो बेटर मतलब कौन जान सकता है, अब इस ग्रुप में इस लाइव क्लास में आई डोंट नो कितनी गर्ल्स आएंगी। अब गर्ल्स ध्यान से सुन लो, ये काजल वर्ड, काजल वर्ड है जो अपना काजल लगा के दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये क्वालिटी। तो मतलब जब गर्ल्स, एक और पॉइंट बताऊं, जब यू नो कि कोई फंडा काम ना करे, मतलब व्हेन एवर वी गो फॉर इंटरव्यू, कोई जॉब के लिए पकड़े कहीं भी, वेयर एवर यू गो, ठीक है, जब कहीं आप लगे ना आपको समस्या है, आप टेंशन में, आपको कुछ कुछ नहीं है, एक हल्की ना मतलब चिल मार के स्माइल दे दो बस, दैट इज एनफ फॉर अस, ठीक है। वी आर प्राउड टू बी गर्ल्स, वी शुड बी प्राउड टू बी गर्ल, राइट। आई एम प्राउड दैट आई एम गर्ल, ठीक है। सो अपने को पूरा हर एक टाइम अपना पूरा टशन में रहो, पूरे मजे में रहो, और अपना एक करियर बनाओ, अपना एक खुद का स्टैंडर्ड बनाओ, और एक नाम कमाओ। मेहनत सबको करनी पड़ती है, मैंने बहुत करी है, बहुत ही करी है, ठीक है। बट जितना काम करे दिल से करे, दिल से बिल्कुल करे। सो गर्ल्स, गर्ल्स नहीं गाइस और बॉयज ऑल्सो, ठीक है। बस दिल मत छोड़ो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कोई एक प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, जब सपोज तो मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो मेरा प्रोजेक्ट मानोगे आप एक डेढ़ साल बाद का लगता है, समझ लो कि एक डेढ़ साल में मुझे घर पूरा करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। भाई ये थोड़ा ना सोचो रात को सो और सुबह पेपर क्लियर, ऐसे नहीं होता। कई बार छह महीने लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाते हैं, कई बार दो साल भी लग जाते हैं। सो इसके लिए किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, खुद को ब्लेम करो कि तुम्हारे में कमी है, ठीक है। खुद को स्ट्रांग बनाओ, राइट। हाँ जी स्पेलिंग गलत है शायद, कौन से रवि स्पेलिंग, कोई बात नहीं, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, चापलूसी करना भी होता है। हाँ जी कैजुअल मतलब, राइट, आई थिंक इट इज नज, हाँ जी आई थिंक इट इज नज, ओके ठीक है, गुड टू शेयर सोहित, हाँ जी। चलो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा चेक करते जाना, कभी हो सकते हैं मेरे साथ थोड़ा, आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई मतलब मुझे लगता है मेरे में इस चीज की कमी है, एंड आई ओपनली मतलब शेयर विद माई स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ था, आई गॉट सिक, बीमार हुई थी मैं एक बारी, तो बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट वेल काफी टाइम तक, और उसके बाद क्या हुआ था, मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहने लगी थी मुझे, और मुझे अभी भी है वो, एंड आई प्राउडली से कि मैं उतना ठीक कर दिया, भगवान ने बहुत है स्पेलिंग सुनी थी। उसके बाद क्या हो गया कि मुझे ना स्पेलिंग से मैं लिखती हूँ ना, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं मतलब मैं गलत लिख रही हूँ। इसके लिए बस स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत कॉपरेट करते हैं, मेरी क्लासेस में बहुत कॉपरेट करते हैं हमेशा ही, उनको पता होता है कि ठीक है कुछ कमी बेची होगी, थोड़ी बहुत ए ई की कुछ होगी तो वो सेट कर लेते हैं। तो अपने आप यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर लेना अगर कोई स्पेलिंग है, बाकी और कमी कोई नहीं है। तो पता चले हम सोचे भी इंग्लिश ही गलत पढ़ा के चले गए मैडम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है गाइस। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। एग्जॉल्टेड एट ए हाई लेवल, पीक भी बोल सकते हो, अपेक्स भी बोल सकते हो, अभी कस्प वर्ड नया कर रहा है वो भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चीट, चीट मतलब हॉक्स करना, फ्रॉड करना किसी के साथ, राइट। तो नज, नज मतलब किसी को परसुएड मना लेना, अट्रैक्ट करना खुद की ओर, कैजुअल बोलते हैं, कॉक्स बोलते हैं इसको, किसी को फ्लैटर करना अपनी ओर, कोई काम मना लेना किसी से, ठीक है, मनाना किसी को अपना काम करने के लिए, ये जरूर है। चलो गाइस, ओके, तो चलो सेंटेंस एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। आई होप आज की क्लास में आपके पास 15-20 नए वर्ड्स हो गए होंगे, कल आपने नहीं लिखे हैं, मैंने ही लिखे, कल आपकी टर्न होगी, राइट। आते ही मैंने फटाफट से पूछना शुरू कर देना 8 o'clock, कल तो शार्प 8 o'clock मिलेंगे, चलो लिखो फटाफट से मीनिंग ऑफ इसका, ठीक है गाइस। चलो मूव फॉरवर्ड, बलविंदर क्या हो गया आपको, वर्ड्स दो लोअर सारे इतने ही बनी है, बिल्कुल नॉट बटरिंग, हाँ जी गाइस। तो चलो आगे चलते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं गाइस। किस किस को आप में से किस किस को ऐसे लगता है कि मुझे लाइक अच्छे से इंग्लिश के टॉपिक्स आते हैं, और मुझे इंग्लिश के टॉपिक्स में
कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डीपली पता है कि सेंटेंस किसको मिला के बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे टफ लगती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके मैम, मैंने राइट स्पेलिंग भी नहीं पता, वैसे सारे स्पेलिंग सही है आज की क्लास में। चलो गाइस 9 बजे तक है, नहीं जी 9:30 10 बजे तक आप पढ़ने वाले बनो, आई एम हियर। चलो इंग्लिश टफ नहीं लग रही, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ मेरे साथ, ठीक है। चलो गाइस सेंटेंस की बात करें, आप मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हम बात करें सेंटेंस में, सबको पता है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट, ये वाले पार्ट रहते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिला के बनता है। इन चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं, ठीक है, वो कैब कम आती है, कोई बात नहीं करते जाओ आ जाएगा, राइट। चलो अब हमें ये चीज तो सिखाई है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इतना तो हमें सिखाया, बट गाइस जो चीज हमें नहीं पता पहले उसको तो सीख ले। एक मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही मैरिड, अब आप अच्छे समझो इस कॉन्सेप्ट को, अब बातें बंद, अब काम शुरू, ही मैरिड, राइट, ही मैरिड हर, ही मैरिड हर। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया, मैं अगर एक लाइन बोलने जा रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो वो सिर्फ इसलिए ताकि ऊपर आपको जरूरत लगे कि हमने को ये समझने की जरूरत है, सिर्फ उसके लिए, लिखना कुछ नहीं है। ही मैरिड हर, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैरी एक वर्ब है, ठीक है, मैरी एक वर्ब है, वर्ब कौन सी है, ये एक ट्रांसटिव वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब है, राइट। मैं बोलूं अगर मैरी ट्रांसटिव वर्ब है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है और तब जब ट्रांसटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करनी, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड, आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करनी किसके साथ, मैरी वर्ब के साथ। अब हम गाइस ये समझो, मेरे को सही में बताऊं आपके 100 लोगों में से 50 को समझ में आएगा, 50 को नहीं समझ में आएगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमें अब तक, मुझे लगता है मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाती थी इस चीज में पढ़ाने के बावजूद भी, पता क्या होता है मुझे, अगर मैं सोचूं इस पे मैंने बहुत अच्छे से काम नहीं करा हुआ, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट पे, इस पे मैंने अच्छे से काम नहीं करा हुआ, मैंने काम करा जरूर है बट मुझे इतना पता है कि ठीक है यह सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आ वर्ब होती है, ठीक है, ते आ साडा ऑब्जेक्ट होता है, मसला हल हो गया, ठीक है, मसला हल हो गया, बट एने नाल मसला हल नहीं होता। जदों आपा करदे हां एक्टिव पैसिव दा टॉपिक, जदों आपा करदे हां प्रेपोजिशन दा टॉपिक, उदों ये चीजां जाके तुहानू उदों पता चलूगा जी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट केड़ा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की किथे काम करदा है, इनडायरेक्ट दे रूल आपां तां ही समझांगे। फिर मैं अगे करां जी, ये तां लिंकिंग वर्ब है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, ये स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। इस तरह मैं अगर उठे जाके, जो मैं तुम अगले आपका टॉपिक करांगे, जो मैं तुम उठे जाके, है ना, मैंने आपको बोल दिया ये और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब है, ये ट्रांसटिव वर्ब है। अब एक और लिख लो, मैं लिख दू अगर ये ट्रांसटिव वर्ब है, ये इनट्रांसटिव वर्ब है, गाइस आप कभी के कभी कंफ्यूज हो जाओ। अगर मैं बोलूं डाइट्रांसटिव है, तो मैंने यहाँ पे 3-4 तरह की लिख दी वर्ब्स, ट्रांसटिव वर्ब, इनट्रांसटिव वर्ब, डाइट्रांसटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, तब जाके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मानते हो, अग्री, सही है। मेरा काम, मैंने ये सोचा था आज और कल की क्लास में आपको सेंटेंस के टॉपिक के एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये सारे जो मैंने लिख दिए, ये आपको मैं आज और कल के लेक्चर में डेफिनेटली वाइंड अप करवा दूंगी, ठीक है गाइस। आज और कल के जिसको पता है दैट्स गुड, उनको कोई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जिनको नहीं पता है उनको अपने आप समझ में आ जाएगा ट्रांसटिव कौन सी होती है, इनट्रांसटिव, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, टाइम तो डेफिनेटली जाता है क्योंकि हमें स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनानी होती है, जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती है तब तक हम टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। सो की पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता होता है, कोई बात नहीं, अपने आप सेट हो जाएंगी चीजें, थोड़ा टाइम लेके हो जाती है बट हो जाती है। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट मुद्दे पे, सेंटेंस
सेंटेंस क्या होता है, हम कहते हैं वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, हाँ जी, सीता इज अ गर्ल, हाँ जी, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है पल्लवी, बिल्कुल सारा ग्रामर आएगा, हाँ जी मैम, प्लीज पैराग्राफ के क्लोज टेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स करवाओ, आप करेंगे किसी दिन, ठीक है काजल, बहुत खतरनाक चीज है, हाँ जी बिल्कुल। चलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है अपन यहाँ पे लिख दिया। तो गाइस अगर मैं अगली बात आपको बोलूं, यहाँ पे मैं लिख दूं कि अगर आपको मैं सब्जेक्ट सेंटेंस के ही कितने सारे फंडे बता दूं कि सेंटेंस किस किस को मिला के बनता है, राइट, तो मैं यहाँ पे बोलूं सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट एक्शन वर्ब, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस के पार्ट्स करूं तो सेंटेंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एक्शन वर्ब बोल देते हैं उसको, राइट, क्लियर, ओके। तो चलो अगर मैं बोलूं द क्लास स्टडी, कल की क्लास में आते ही पहले इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो टाइम बचेगा उसमें वो कैप के वर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे टॉपिक दो दिन में आपको टॉपिक नहीं, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाने, पर शाम 8 o'clock पर इसी को शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्लास, राइट, उसके बाद ये पोर्शन क्या बन गया हमारा, प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट आएगा और ये प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में क्या मिला हमें, एक्शन वर्ब मिल गया, राइट, फर्स्ट मैंने इसका कंसेप्ट ये दे दिया, यहां तक क्लियर गाइस, ठीक है, ओके, द क्लास सब्जेक्ट हो गया, हाँ जी ओके okay. चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक, और अगर मैं बोल दूं यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आ जाओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहां पे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, अगर मैं यहां पे लिख दूं द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गेव अ टेस्ट, हां जी फाइंड आउट करो जल्दी से यहां पे, तो स्टूडेंट्स वर्ड यहां पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, राइट, गेव, प्रेडिकेट वाला पार्ट है, ये सारा प्रेडिकेट का पार्ट आ गया, सब्जेक्ट द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, सब्जेक्ट अगर आप गेव करांगे, गेव की बनिया एक्शन वर्ब बन गया, एक्शन वर्ब हो गया, ओके वर्ब आ गया, चलो एक्शन वर्ब। अगर मैं अ टेस्ट की बात करूं, अगर मैं अ टेस्ट की बात करूं तो अ टेस्ट क्या है हमारा, अ टेस्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, क्या बन गया ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होना कौन ये पता करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट, फर्स्ट उसका सेंटेंस हम क्लियर ही है, इसकी सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ठीक है, ये पहला रूल है सेंटेंस, सेंटेंस किवें बन सकता है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इस तरह करके 6 points है, छह पॉइंट डिस्कस करांगे, राइट कहते हैं, ठीक है, टोटल 6 points बस। तो चलो हूं मैं लिखना ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं गल करा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की के अंदर देखो She gave me a pen, right? और नंबर दो से लिखता मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अपन रिकॉग्नाइज करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। अगर आप बात करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो यहां पे आपके क्वेश्चन का आप रिप्लाई मिला आपको शी गेव मी अ पेन, सब्जेक्ट वर्ब अब,
ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है आपको. मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे दिए, एक तो मी और एक अ पेन. अब अपने को रिकॉग्नाइज करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. यहाँ पे आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है. अब आप जल्दी से ये बताओ, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. वीडियो क्लियर नहीं है, क्या हो गया गाइस? वीडियो तो क्लियर है, आप देखो जल्दी से. हाँ जी, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. हाँ जी, ओके. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करोगे आप, शी गेव जरूरी चीज की है, रिसीवर कौन है यहां पे? शी गेव मी अ पेन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, जो चीज नेसेसरी है, अगर मैं बोल रहा थे शी गेव मी, उसने मुझे दिया, अपने को नहीं पता, ठीक है. शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया? पेन. तो मैंने यहां पे इसको क्या बना दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली मी क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इतना क्लियर, ठीक है. जो चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जिसके बिना लाइन आपकी इनकम्प्लीट है, वो क्या बनता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर गाइस? अ पेन, ठीक है. अ पेन डायरेक्ट 360 एडजस्ट करो वीडियो. आई डोंट नो व्हाट इज दिस 360p, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो गाइस. चलो ठीक है. अब देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज का रिप्लाई करता है हमें? दो चीजों का रिप्लाई करता है, हु एंड व्हाट. अच्छे से नोट कर लो ये दो पॉइंट, किस चीज का रिप्लाई करते हैं, हु एंड व्हाट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगा, हु व्हाट. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखो कि क्या मिला आपको यहाँ पे, शी गेव मी अ पेन, उसने दिया मुझे एक पेन. क्या दिया? तो किस क्वेश्चन का रिप्लाई आया अपने पास? व्हाट क्वेश्चन का रिप्लाई आया, क्या दिया, राइट? ओके, ठीक है. यहाँ पे आपको समझ में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मैंने दो फंडे बताए आपको, हु एंड व्हाट. हु एंड व्हाट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चंस का रिप्लाई करना, राइट गाइस? हाँ जी, ओके है, ठीक है. चलो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं, मैंने एक लाइन बोला, राम कॉट द बेसबॉल. राम कॉट द बेसबॉल. हाँ जी, बनाओ जल्दी से, फाइंड आउट कर लो, नोटबुक में लिख लिया करो, खुद से लिख लो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाता है. तो चलो, राम कॉट द बेसबॉल. अब फटाफट से सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बता दो कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? फटाफट से बता दो, व्हाट गिव यू पेन. रिपीट करें? ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ गाइस, कोई बात नहीं, आराम से समझो पहले इसको. जब आपको इन दो क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाए, मैंने देखो आपको इतना पता है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना? इतना तो क्लियर है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. लाइन शुरू कर दी हमने सब्जेक्ट से, शी से, वर्ब आ गया शी गेव मी अ पेन. अब लाइन में कितने ऑब्जेक्ट बने? दो ऑब्जेक्ट बने, एक मी और एक पेन, दो ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट हमारी लाइन में जब बन गए, ठीक है, हमें ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? हमें रिकॉग्नाइज करना है. अब पहले आप सीखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना, क्योंकि इसका कनेक्शन आगे चल के प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव, सभी टॉपिक के साथ इसका, इन वर्ड्स का कनेक्शन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, सभी टॉपिक में. तो इसलिए हमने, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको फिक्स प्रेपोजिशन करनी है, फ्रेजल वर्ब्स करनी है, तो बहुत जरूरी है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो चीजों का रिप्लाई करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है वो, दो चीजों का रिप्लाई. अब मैंने नीचे एक लाइन लिख दिया, राम कॉट द बेसबॉल. अब फटाफट से रिकॉग्नाइज करो आप, द बेसबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके है, ठीक है. चलो एक और लाइन लिख रही हूं मैं, राम गेव श्याम द बेसबॉल. आप करो रिकॉग्नाइज जल्दी से, फटाफट से. अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आराम से आ जाएगा. राम गेव श्याम द बेसबॉल,
द बास्केटबॉल, राम, कॉट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये तो पता है आपको, ये बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा है, जल्दी से आप ये बताओ, जल्दी से भाई गाइस, फटाफट से बोलते जाया करो नॉन स्टॉप, ठीक है राइट, ठीक है। अब देखो मैंने बोला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनका रिप्लाई करता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज का रिप्लाई करता है हमें, दो चीजों का, ये भी दो चीजों का रिप्लाई करता है आपको, देखो ये किस चीज का रिप्लाई करेगा, हूं। अब रविंदर देखो आपको समझ में आया, गेम इज वर्ब, बेसबॉल इज डायरेक्ट, ठीक है बेसबॉल डायरेक्ट, ओके राइट, ठीक है। अब हूं किसको या फिर फॉर हूं, हूं मतलब किसको, फॉर हूं मतलब किसके लिए, किस लिए, किसके लिए, दो क्वेश्चंस का रिप्लाई आएगा तो आपका लाइन क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। अब हम लाइन पे वापस आ रहे हैं, राम सब्जेक्ट पता ही है सबनु, गेव वर्ब एक्शन वर्ब होगी, छोड़ो हमें कुछ लेना ही है, हमारा मुद्दा क्या चल रहा है वो देखो, राम ने, राम गेव शाम, राम ने किसको, किसको बेसबॉल दिया, जल्दी से बोलो किसको बेसबॉल दिया, किसको, किसको बेसबॉल दिया, शाम को बेसबॉल दिया, अगर शाम को बेसबॉल दिया तो किस क्वेश्चन का रिप्लाई आया आपका, किसको, हुम क्वेश्चन का रिप्लाई आया, जब हुम क्वेश्चन का रिप्लाई आया गाइस तो डेफिनेटली क्या होएगा वो आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट बन गया। अब क्वेश्चन आया यहाँ पे, राम गेव, राम ने दिया क्या, दिया क्या, दिया मतलब बेसबॉल दिया, किस क्वेश्चन का आया रिप्लाई, व्हाट क्वेश्चन का रिप्लाई, क्या दिया, क्या, क्या का जब आंसर आएगा, जब हम क्या का आंसर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये चीज बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया किसी को, देन आई विल रिपीट डेफिनेटली, शाम को बिल्कुल, हाँ जी गाइस ओके है, इस कंसेप्ट को मैं बार बार बोल रही हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है, इनट्रांसटिव वर्ब, डायरेक्ट ट्रांसटिव वर्ब, ये सारे कंसेप्ट दो क्लासेस में इतने अच्छे से दिमाग में अपने घोल के डाल लो ना, इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आपको जो टॉपिक करोगे ना उसमें बहुत, उसमें पता क्या होगा, मैं बोलते जाऊंगी ये जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसटिव वर्ब है, ये इनट्रांसटिव है, ये डायरेक्ट ट्रांसटिव है, आप लोग बोलोगे कि मैम नहीं समझ में आ रहा, इसलिए इंग्लिश समझ में नहीं आती कई बोलोगे। जब जब लगता है ना कि सामने वाला पर्सन टीचर क्या करते हैं वो, मैं अब मैं एक अपना बताऊं, अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी हवा करने के लिए आपको बता दूं जी दिस इज ट्रांसटिव वर्ब एंड दिस इज इनट्रांसटिव वर्ब एंड वर्किंग लाइक दिस, ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है, तो आप बोलोगे भाई पहले ये तो बता दो ट्रांसटिव वर्ब होती क्या है डिटेल में, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अगर स्टार्ट करवाना है आपको पहले बेसिक चीजें बताऊं आगे अपनी इंग्लिश घोटने के लिए, इंग्लिश तभी मैं घोटू ना अपनी जब सामने लेके कुछ पल्ले पड़ेगा, तो जैसे मैंने पढ़ा मैं वैसे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो गाइस आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख के ना इन दोनों एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना, ठीक है, दोनों एग्जांपल्स को समझना कि किस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिला, फिर डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, इज इट क्लियर गाइस, हाँ जी रिपीट करो राहुल, चलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो क्वेश्चन का रिप्लाई देगा, कौन किसका क्या, कौन एंड क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई कर रहे हैं, किसको एंड फॉर हूम किसके लिए, दो क्वेश्चन का रिप्लाई, अभी के लिए इतना समझ लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको इसको नहीं करते, ठीक है ओके गुड। हाँ एक बार आप कोई बात नहीं, आप आराम से नोटबुक पे लिखना घर पे, इसको बाद में वापस एक बार समझ लेना, बस एक बार निगाह लगा लेना मेरे कहने पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं कुछ और लिख रही हूँ आपके पास, ठीक है, कुछ और सेंटेंस लिख रही हूँ आपके लिए, वो आप देखो कैसे है, जल्दी से एक सेंटेंस सुन लो, शी वॉज शी
helping. She was helping. She was writing. Easy sentence लो, आपको समझ में आ गया. All letter. फटाफट से find out कर लो, बहुत सीधा सा फंड है. आपको किस चीज का reply मिल रहा है? Direct object है या indirect object है? जल्दी से recognize कर लो. हो जाएगा, बहुत easy है. पहले direct ढूंढना शुरू करोगे तो indirect object मिलता जाएगा. She was helping her, right? डेली होगी जी, डेली होगी क्लास. मंडे ट्यूसडे डेली होया करेगी, टेंशन मत लो, ठीक है? रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं. हाँ जी, राइटिंग वर्क ठीक है, ओके. चलो मिल गया. शी वॉज राइटिंग वर्क, ऑब्वियसली शी सब्जेक्ट है. अगर मैं बोलूं लाइन में प्रेडिकेट फाइंड आउट कर दो, प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होता है? प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होता है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पार्ट देखो, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बाकी सेंटेंस हो जाएगा सारा पार्ट क्या बन जाता है? प्रेडिकेट, राइट? इज इट क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया, शी इज राइटिंग, ये एक्शन हो गया, ये डूइंग वर्ब हो गया, राइट? ओके, अ लेटर. अब ये पार्ट क्या बन गया हमारा? प्रेडिकेट पार्ट. मैंने इसके लिए आपकी वर्कशीट बनवाई है, राइट? ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट. मैंने आपके लिए एक वर्ब शीट बनवा दी है इसके लिए, जिसमें आपको नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लाइन में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. ऐसे करके बहुत बेसिक चीजें हैं. 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, वापिस कभी भी इस मुद्दे को प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके गाइस. चलो, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लिख रही थी. क्वेश्चन आया क्या, क्या लिख रही थी? तो जब आपको दो क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा, जब आपको दो क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा तो भाई क्या बन जाएगा वो हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ओके. चलो एक और देखो. शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू मी. अब बनाओ, अब फाइंड आउट कर दो. सीधा सा फंडा है, सीधा बिल्कुल. वो लिख रही थी, क्या लिख रही थी? अच्छा, मैं बाहर हूं कैमरा से. अगर मैं आपको यहाँ पे सेटअप दिखाऊं ना तो आप सारे हंस हंस के कमले हो जाओगे. क्या यहाँ पे ट्राईपोर्ड, क्या यहाँ पे लैपटॉप, पता नहीं चलता लैपटॉप क्यों देखना है कि ट्राईपोर्ड क्यों देखना है, फोन के कैमरा क्यों देखना है. फोन के कैमरे की स्क्रीन बंद हुई पड़ी, अब ये नहीं पता चलता वो चल रहा है कि नहीं, और सामने ये जो फोन पड़ा है इसके ऊपर आपके मैसेज पढ़ने होते हैं, सो दैट पता चलता रहे कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो बहुत सारा काम यहाँ होता है ऑनलाइन क्लास लेने वाला, तो बहुत ज्यादा माइक्रोफोन लगाना है, माइक्रोफोन कभी पिन में लगता नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है. मतलब कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहते हैं. शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू मी, प्रिटी लाइन लिखती है, सीधी कर देते हैं. शी वॉज राइटिंग, वही खाना पुना खा के बैठ जाया करो, क्लास तो लेंथी चलेगा ही चलेगा. शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू मी, वो लिख रही थी, क्या लिख रही थी? लेटर लिख रही थी, क्या? किसको लिख रही थी? आ जाओ फिर, मिल गया आपको? अब मिल गया जी. किसको का रिप्लाई आया तो बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे दो दिनों में, आ जाओ कल में. क्या मतलब व्हाट का रिप्लाई आया तो क्या बन गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर गाइस? अब आप बताओ, कोई आपको दिक्कत है? कोई समस्या नहीं रहने वाली, क्योंकि इसके लेटर बहुत सारे यूज करेंगे. अगर समझ में ये कंसेप्ट आ गया है, हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आपके लिए, ठीक है? मिल जाएगा सारा मटेरियल. हाँ जी बिल्कुल 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 गाइस, वर्कशीट मिल जाएगी गाइस आपको, मैं लिंक शेयर कर दूंगी नीचे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप. गिल्स मेंटोर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है. ये लाइन तो मैंने बोलना ही था, मैंने क्रैम भी करा हुआ था, ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया कि इंग्लिश एक इतनी वाहियात लैंग्वेज है कि इसको मतलब कि सीखने के लिए ना फनी वे में पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा इसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. स्टूडेंट्स का कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब भागने को जाते हैं स्टूडेंट्स ना इंग्लिश तो करनी.
और जिनको समझ रहती है वो पता है क्या करते हैं कि टीचर ही बेकार है, उनको पढ़ाना ही नहीं आता, टीचर अच्छे नहीं है, समझ रहे हो, ये समस्या रहती है। अब मेरे को लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है इसके ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, तो चलो आगे बात करते हैं। अब देखें सेंटेंस किस किस को मिला के बन सकता है, सेंटेंस के और कौन से पार्ट हो सकते हैं, अगर समझ में आवाज कट रही है, क्यों कट रही है गाइस, रुको देखने दो मुझे। अब देखो कोई था यहाँ पे, मैंने कैमरा मोड पे ऑन नहीं करा हुआ तुमने फोन का ये माइक्रोफोन का सिस्टम। अब देखो गाइस जल्दी से, अब ओके है, ठीक है। चलो अब मैंने थर्ड रूल लिखा यहाँ पे, दो रूल मैंने आपको पहले करवाए और दूसरे रूल के बाद हमने करा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ थर्ड में, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अगला पार्ट किसमें हो सकता है, एक्शन वर्ब प्लस एडवर्ब, इसको मिला के भी एक सेंटेंस बन सकता है। इससे पहले मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए, पहला सब्जेक्ट का समझ रहे और वर्ब का, क्लियर, और दूसरा सब्जेक्ट का वर्ब का और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसके साथ हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर दिया। अब अगर बात करें थर्ड फंडा क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वाला पार्ट किसमें होएगा, एक्शन वर्ब एंड एडवर्ब में बन सकता है, एडवर्ब। ये सारी चीजें ना मैं आपको बताऊं, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हाथों हाथ समझ में आनी शुरू हो जाएंगी अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो, बेसिक कंसेप्ट को, राइट। चलो ओके है जी, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत आ रही है तो रिफ्रेश कर लो, मैंने मतलब मेरी ओर से तो ओके मैंने कर लिया है, आवाज राइट है जी, ओके सर, थैंक यू सो मच, ओके जी, ये कौन है, ओके जी व्हाट इज इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो आगे मैंने एक लाइन लिख दिया, द स्टूडेंट्स वर्ग। अब लाइन में फटाफट फाइंड आउट करो कितने पार्ट्स लिखे मैंने एक लाइन में, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया आपको, बोलो जल्दी से, सब्जेक्ट मिला, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, और ये प्रेडिकेट पार्ट मिल गया हमें, वर्ब आ गई, एक्शन वर्ब आ गई, बट मैंने आप लिखा कुछ सेंटेंस पीछे एडवर्ब को लगा के भी बन जाती है, तो स्टूडेंट्स वर्ब केयरफुली, द स्टूडेंट्स वर्ब केयरफुली, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स ने काम किया, तो मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया, एडवर्ब ऐड कर दिया, राइट, क्या ऐड करा मैंने यहां पे, एडवर्ब ऐड कर दिया, ये हमारा एक्शन वर्ब आ गया और ये हमारा सब्जेक्ट आ गया और ये दोनों मिलके क्या बन गए, हमारा प्रेडिकेट पार्ट बन गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सारा मिला के क्या बन गया, प्रेडिकेट पार्ट बन गया, ये वर्ब है और ये एडवर्ब, ये तीन चीजें मिला के भी एक सेंटेंस क्रिएट हो सकता है। अब पीछे हमने करा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बारे, अब मैं बात कर रही हूं आपके लिए एडवर्ब के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक चीज लिखा, यहां पर मैंने सपोज करो केयरफुल, स्पेलिंग चेक कर लेना, केयरफुल, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे केयरफुल। तो गाइस मैं अगर इसको बना दू केयरफुली, ठीक है, केयरफुली, आपको जिस दिन, बहुत जल्दी ये कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगी, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, तो आप ये चीजें मिनट में समझ जाओगे, बनाने भी लग जाओगे। मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको थोड़ी सी, ठीक है, जैसे जैसे हम पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे, जो जो इसमें एक्स्ट्रा चीजें आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है, सो दैट आपको लगे कि ठीक है आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स याद कर लिए। अगर मैं बात करूं केयरफुल एक एडजेक्टिव है, चलो किसी को नहीं भी पता कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, ठीक है,
तो भाई आप क्या करा करो, इसका एडवर्ब बना लो और मैक्सिमम 99% जो एलवाई वाले होते हैं, जो एलवाई के साथ खत्म होते हैं, वो सारे क्या बन जाते हैं? एडवर्ब बन जाते हैं। एलवाई के साथ खत्म होने वाले, अब जल्दी से एलवाई वाले दो चार वर्ड अपने माइंड में सोच लो, दो चार वर्ड अपने एलवाई वाले माइंड में सोच लो, अब जल्दी से माइंड में सोच लो। एडवर्ब प्लस प्रेडिकेट पार्ट के साथ, हाँ जी इज इक्वल टू प्रेडिकेट, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है मैम? हाँ जी देखते हैं हरविंदर, एक मिनट रुको, ठीक है, एक मिनट देखो। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना भी लाइन बन जाती है गाइस, यही तो प्रॉब्लम है अपने को ना। हाँ जी केयरफुली एडवर्ब, ठीक है। ब्यूटीफुल, नो एलवाई लगाओ गाइस, एलवाई एडजेक्टिव नहीं बनाना। गगनदीप सही करो भाई इसको, एल माइंडफुल नहीं, एलवाई वाले बनाओ, एलवाई वाले। मैं अभी आपको बना के, आप ये वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पॉइंट का मेन बस एक मुद्दा है यहाँ पे, इससे लाइन बन सकती है। अब अपने को ये समझना है कि एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना है, राइट? करो जल्दी से नोट डाउन, ओके। स्क्रीनशॉट हो गया मेरा। अब इस थर्ड पॉइंट के अंदर ही है ये वाला पॉइंट, इसको फोर्थ पॉइंट नहीं बनाना। होमवर्क तो नहीं लगी भाई, पता चले बेबे वादा मारी थी आया उत रोटी खाया ही नहीं, पता भी अंग्रेजी का लेक्चर चली जाता है, अज नहीं आता मुंडा रोटी खान, सही है। चलो अज तो अंग्रेजी सीख भी छड़नी है, अज मतलब अंग्रेजी की बस मतलब चंगी तरह ना हवा राइट जाना नहीं है गाइस, एंड तक सब कुछ वधिया रहूगा, जाना नहीं, इत्थे ही रहना, बने रहना आपा, ठीक है। मैं भी इत्थे हां, तुसी भी इत्थे हो, ठीक है गाइस, वेरी गुड, सीरियसली काइंडली चलो। केयरफुल केयरफुल केयरफुलनेस, चलो एक और देखो, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, आई थिंक बैटरी नहीं, बैटरी चाहिए मेरे लैपटॉप को, कोई बात नहीं, चलो ठीक है गाइस, चलो देखते हैं। अब आप अच्छे से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको कभी भी वापस ये समझना नहीं पड़ेगा। आपको एडजेक्टिव नहीं पता, आपको इतना पता है कि 99% एलवाई के साथ जो खत्म होती है वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, इतना तो पता है ना, इतना तो पता है हमें, वर्ड वो होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको इतना पता है डिग्री, यू नो डिग्री अपन करते हैं, तो डिग्रीज किसकी होती है? डिग्रीज होती है किसकी? एडजेक्टिव की, वर्ब और डिग्रीज में कंफ्यूज नहीं होना हमें। डिग्रीज किसकी होती है? एडजेक्टिव वर्ब अलग होती है, क्रिया होती है वो, उस पर फोकस नहीं करना आज, डिग्री की बात कर रही हूं। अगर मैं यहां पे लिखूं लाइक यहां पे मैं लिख दिया हैप्पी, happier and happiest, right? मैं डिग्री लिखती जिस चीज की, अब देखो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब गाइस एक चीज अच्छे से समझ लो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर ग्रामर समझने के लिए हमें ऐसे बेसिक चीजें पता करनी बहुत जरूरी है, आता होता है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक फंडा ये आपने समझा कि एलवाई वाले 99% काम कर देते हैं एडवर्ब का, ठीक है। उसके बाद जिस वर्ड की आप डिग्री बना सकते हो, आई आर लगा के या आई एस टी लगा के आप डिग्री बना सकते हो, मोर मोस्ट लगा के, वो सारे के सारे वर्ड क्या बन जाते हैं? वो सारे के सारे क्या बन गए? एडजेक्टिव बन गए। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैप्पी, हैप्पी वर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से मैंने क्या बना लिया? एडवर्ब, एडजेक्टिव से क्या बना लिया अपन ने? एडवर्ब बना लिया। और अगर एडजेक्टिव से मैंने नाउन बनाना है, ठीक है, एडजेक्टिव से हमेशा कौन सा नाउन बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है,
कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो छिपा हुआ होता है, दिखता नहीं है. व्हाटएवर वी फील व्हाटएवर वी थिंक we can't touch that thing, doesn't exist. वो चीज exist नहीं करती है, but हम उस चीज को देख नहीं सकते हैं, उस चीज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं. फील क्या होती है? इमोशंस हमारी फील होती है, जो हमारी फीलिंग्स है हम उनको, कि खुश है, गमी है, दुखी है, कोई भी चीज. तो ये सारी क्या होती है? इमोशंस होती है. एंड इफ आई से हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पी से क्या बना दिया मैंने? हैप्पीली. और अगर मैं इससे नाउन बनाना चाहूं तो कौन सा नाउन बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. इतना क्लियर? ठीक है, वी कैन फील ओनली, डू शेयर. हाँ जी, ओके गाइस. हाँ जी, न्यू क्लास है जी कुलिंदर, बिल्कुल न्यू क्लास है, फर्स्ट क्लास है जी. बेसिक चीजें कर रहे हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं. इतना ही रहने दो सिमी. इमोशन बाय मैम. आई विल सी पेंडिंग लेक्चर इन रिकॉर्डेड. इट इज टाइम टू डिनर. ओहो, डिनर तो हमारा भी लगा पड़े. पल्लवी मत जाओ यार, क्यों जा रहे हो भाई? प्लीज डोंट गो भाई, रह जाओ यहाँ पे थोड़ी देर और, हम भी तो हैं. आपको तो डिनर खाना है, हमें तो चपाती भी बनानी है. रुक जाओ, कुछ नहीं होता, ठंडी खा लेना. आ जाओ वापिस, आ जाओ, जाना नहीं है. पल्लवी सौ लगे महात्मा गांधी जी, तुम गए था कल भी सौ पाई सीखे सारे, राइट? चल आ जाओ वापिस. हाँ जी गाइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको ये समझने की बहुत जरूरी है, ठीक है, कि एलवाई वाले मैक्सिमम एडवर्ब जिसकी डिग्री बना दी वो बना दी एडजेक्टिव. अब बात करें हम नाउन्स की, ठीक है. जो वर्ड्स आपके एंड होंगे, जो वर्ड्स एंड होते हैं, देखो किसके साथ? एन ई डबल एस के साथ, राइट? एन ई डबल एस के साथ, और एच डबल ओ डी के साथ, ए जी ई के साथ, एम ई एन टी के साथ, सी वाई के साथ, टी वाई के साथ, ठीक है. तो ये सारे क्या वर्ड बोले जाते हैं? ये सारे हमारे क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाएंगे. सारे के सारे वर्ड्स क्या बन जाएंगे? नाउन बन जाएंगे ये, ठीक है जी. ओके, थैंक यू पल्लवी. छुट्टी कर दो, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, ठीक है. हेलो हैप्पी, आई हैड माय डिनर. ओके रुको, हाँ जी, बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. अब फटाफट से इसके अपन वर्ड्स बना लेते हैं, बस 5 मिनट और रुकते हैं, फिर अपन चलेंगे. कोई बात नहीं, आप जितनी देर पढ़ सकते हो वो उतने ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती नहीं. कल अपन ये वाला इसको और डीपली आप समझ के वाइंड अप कर देना, सो दैट कि जो मैंने आपके लिए शीट प्रैक्टिस बनवाई हुई है, प्रैक्टिस शीट बनवाई है, उसको आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगी चीजें, बेसिक चीजें, ठीक है. ओके, कल का लेक्चर हमारा इसी पे जाएगा. चलो नेक्स्ट वाले वर्ड बनाओ. सैडनेस, चाइल्डहुड, ठीक है, एज, हेरिटेज, अपने माइंड में सोचते जाओ वर्ड्स, ठीक है. मैन, डिपार्टमेंट, ठीक. नेक्स्ट सी वाई, पॉलिसी, ठीक है. एंड नेक्स्ट टी वाई, यूनिटी. अब आपका होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो जल्दी से. होमवर्क आपका ये है कि मैंने यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, कॉपी पे ऑनेस्टली आपको इन सबके जैसे पांच पांच वर्ड्स बनाने हैं. जैसे सैडनेस का हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, ब्रदरहुड हो गया, मदरहुड हो गया, ऐसे हेरिटेज का क्या बनता है ना, और इसके बाद डिपार्टमेंट हो गया, राइट? क्लियर? आपको इसके पांच पांच वर्ड्स बनाने हैं, बना लिए. जब पांच वर्ड्स बन गए, आपने क्या करना है? उनके नाउन से क्या बना देने हैं? एडजेक्टिव फॉर्म बनना है. थोड़ा सा होमवर्क है, अच्छे समझे जाओ, ठीक है, इंजॉय करो. गया मैंने सैडनेस बना दिया, मुझे इसका एडजेक्टिव बनाना है. बन गया एडजेक्टिव, हैप्पीनेस का हैप्पी बन गया, वो खुश है, विशेषता बता रहा है वो वर्ड, राइट? चलो हेरिटेज का, हेरिटेज का बोलोगे हैरी थोड़ा ना बनेगा, किसी का नाम तो नहीं बनेगा. जिसके बनते हैं उसके बनाओ, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात. अब पांचों वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, अब अगर इसके बनाएंगे नाउन, एडजेक्टिव, सॉरी, राइट?
इन सबके आपको एडजेक्टिव बनाने हैं कॉपी पे, नोटबुक पे. इज इट क्लियर? एक लास्ट पॉइंट कर लो, उसके बाद अपन बोलते हैं बाय बाय एंड गुड नाइट. बस एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करो, ठीक है? छोटे छोटे टिप्स हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, वरना मैंने जाके अपनी अंग्रेजी गानी शुरू कर देंगे तो तुझे क्या ना गा पा रखे मैम, ठीक है? क्यूरियोसिटी, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट, सैड, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, हाँ जी, चलो ओके. गुरतेज ब्रदरहुड, वेलकम गुरतेज, कैसे हो? मैंने आपको अभी देखा, राइट? चलो नेक्स्ट, फोर नंबर फाइंड एक करते हैं. तो वैसे पांच सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट, हाँ जी बिल्कुल, फिक्स टाइम रखो. हाँ जी फिक्स टाइम ही रहेगा. शुरू होने का फिक्स टाइम है 8 o'clock, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है? जमा कोई टाइम नहीं है. पढ़ लो यार, की मतलब क्या चक्कर है, पढ़ लो इंग्लिश, ठीक है? हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट. मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट फोर नंबर में किससे बनेगा? लिंकिंग वर्ब से. बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है. लो जी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं लिखते जाऊंगी तब आप बोलोगे लिंकिंग वर्ब क्या होती है मैम, ये कौन सी होती है, ठीक है? तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे मेरे को समझना चाहिए था, ठीक है? चलो, यहाँ पे मैंने लिंकिंग वर्ब डाल दिया. लिंकिंग वर्ब के साथ मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ लो. यहाँ पे मैंने दे दिया नॉमिनेटिव केस. अब आप बोलोगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे कल की क्लास में सारी चीजें कवर अप कर लेंगे, बेसिक आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू अर्शप्रीत, थैंक यू सो मच, मे गॉड टेक योर चैनल टू हाइट्स, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. चलो फोर्थ पॉइंट, प्लीज अच्छे समझ लो, समझ के चले जाओ, फिर शीट अपनी प्रैक्टिस कर लेना, कल कोई इश्यू नहीं, कल वाला लेक्चर तभी समझ में आएगा गाइस, 5 मिनट से कुछ नहीं होने वाला. मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे भी तो भूख लगा है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट किस चीज से बना हमारा, लिंकिंग वर्ब प्लस नॉमिनेटिव केस. द टीचर सब्जेक्ट इज, चलो जी, लो जी, द टीचर इज सोनिया मैम, द टीचर इज सोनिया मैम. अब आपको यहां पे लिंकिंग वर्ब टीचर कौन है, पहले आप वो वापस करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रेडिकेट पार्ट आ गया, ये सारा प्रेडिकेट बन गया, ठीक है? अब ये जो इज है ये कौन सी वर्ब है, यहां पे ये है लिंकिंग वर्ब, जोड़ रही है, किसको जोड़ रही है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रही है, ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब होगी. करेंगे आगे चल के वर्ब के डॉक्यूमेंट डिटेल में बताऊंगा मैं आपको. लिंकिंग वर्ब बन गया और ये बन गया हमारा प्रेडिकेट. प्रेडिकेट पार्ट में क्या हो सकता है, मैंने आपको बोला या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, ये वाले केस हो सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेट केस होता है नाउन, नाम यूज करते हैं जब. तो मैंने यहाँ पे सोनिया मैम लिख दिया. अगर मैं बोलू, ठीक है, द टीचर इज सोनिया मैम, इसका मतलब क्या है, ये मैंने नाम की उनकी नॉमिनेशन कर दी, ठीक है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट किसमें हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया. एक और चीज है, टीचर है कौन, कौन है टीचर, इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिला आपको, कौन है टीचर? भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है गाइस, लाइक जरूर कर देना, पक्का लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट करके क्लास के बारे में जरूर बताना, सो दैट मैं कल के लिए इस क्लास को बनाने के लिए, इस क्लास को पढ़ाने के लिए अपने में और एनर्जी फिल कर लूं. और गाइस एक चीज और बताऊं, आपका एक कमेंट जब आता है ना स्टूडेंट्स का, जैसे कल हम लाइव थे, लाइव वार्ता में है ना शाम को, एक स्टूडेंट का एक कमेंट आता है ना कि मैम अच्छा पढ़ाते हो आप, उससे इतना एनर्जी मिल जाता है ना खुद को, ऐसे लगता है कि पता ही नहीं लाखों रुपए मिल गए हो, जैसे बिलीव नहीं करो, चाहे कुछ भी ना मिले फिर भी ऐसे लगता है कि लाखों रुपए मिल गए होते हैं एक कमेंट से, इतनी खुशी होती है. उतनी की ऐसे नहीं होती कि 500 रुपया दे दिया उससे कोई खुशी नहीं होती, सिर्फ एक लाइक से, एक कमेंट से इतनी ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है खुद को, इतना
पॉजिटिव मिलता है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट भाई, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपको भी अच्छा लगेगा, किसी तारीफ करिए, ठीक है। सो जो चीज अच्छी है उसकी प्रेज करो, जो चीज बुरी है वो भी बताओ ये चीज बुरी है। बट फर्स्ट लेक्चर है, अगर आप ये कंप्लेन करोगे टाइम लग गया, लेट हो गया कुछ, वो मत करना, क्योंकि पहला लेक्चर था तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी जरूरी होता है, ठीक है। तो चलाओ वापस, यहाँ पे मैंने लिंकिंग वर्क दे दिया और रिप्लाई आया टीचर कौन कौन है, किसका रिप्लाई आया, क्वेश्चन आया कौन सा, मतलब हु। अब आप ये समझ लेना घर पे जाके कि क्वेश्चन आया कौन, जब दो क्वेश्चन का रिप्लाई मिले व्हाट या फिर हु, वो कौन सा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपको दो क्वेश्चंस का रिप्लाई ये मिले हुम या फिर टू हुम, ठीक है, हुम मतलब किसको या फिर टू हुम किसके लिए, ठीक है, तो तब हमारा लाइन क्या बन जाता है उसमें इनडायरेक्ट। अब मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट की रिवीजन करवा दी। फोर नंबर पॉइंट क्लियर, सेंटेंस इसको मिला के भी बन सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में क्या आ सकता है, लिंकिंग वर्ब आ सकती है और नॉमिनेटिव केस आता है। ये नाउन में हम डिटेल में करेंगे कि नॉमिनेटिव कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, राइट, इज इट क्लियर। फोर पॉइंट, ठीक है, इंग्लिश में पहली बार किसी चीज का आंसर दिया है मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके रवि चला दो, बता दो, रुको, देखो पहले तीन पॉइंट समझ में आ गए कि एक सेंटेंस किस किस चीज को मिला के बना लेते हैं। जैसे पहले में पकड़ा सब्जेक्ट कर लिया, वर्ब कर लिया, ठीक है, शी स्टडीड, सिंपल लाइन हो गया। दूसरे में पकड़ा सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड में अपन ने करा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, केयरफुली लाइक ब्यूटीफुली, है ना, एडवर्ब। फोर्थ में हमने करा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पार्ट में क्या पूछा सकते हैं, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मतलब जो जोड़ती है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, डूइंग वर्ब नहीं है, ये आपको वर्ब के टॉपिक में थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। तब मैं आपको यही तो बोल रही हूँ कि ये जो लिंकिंग वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, है ना, डायनेमिक वर्ब है, ये पर डिटेल में करेंगे छोटे छोटे पॉइंट, जिसकी वजह से इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। हमें लगता है भी जब एक रूल सपोज कर बुक को खोल के आप कोई करने बैठते हो ना कोई चीज, तब वहां पे पता है क्या लिख देते हैं, भाई ये तो ना लिंकिंग वर्ब है इसलिए ये वाला रूल लग गया, ये जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वजह से। अपने को यही नहीं पता कि लिंकिंग वर्ब कौन सी है, राइट, स्टैटिक वर्ब कौन सी है, डायनामिक वर्ब कौन सी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तभी हम कंफ्यूज होते हैं, बुक भी हमारी हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए जरूरत पड़ती है टीचर की, कौन से टीचर की, सोनिया अरोड़ा मैम की, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, चला दो वापिस। अनीता टीचर इज टीचर कौन है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को या फिर प्रेडिकेट पार्ट को, जोड़ रही है आपस में, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही, सब बता रही है, स्टेट बता रही है, ये कनेक्ट करे, इसको मिला के सेंटेंस बन सकता है। ओके जी, ठीक है गौरव, अब समझ में आ गया, राइट गौरव, समझ में आया, ठीक है। चलो एक और पॉइंट करवा दू हाथ हाथ के, कल कंटिन्यू करना है, अगर दो मिनट दोगे तो अपने पांच पॉइंट नहीं छह पॉइंट है मेरे पास इसके टोटल, अब कल कंटिन्यू करती हूँ इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, बस दो मिनट दो, मैं आपको वर्ड रिवाइज करवा दू, बस ये वाला सेशन अभी तक यही पे करेंगे, जितना कुछ कराया है उसको अच्छे से पढ़ के आने तक की क्लास में, नोटबुक लगा लो, नोटबुक पे लिख जू लेना, नहीं लिखोगे तो मेरे यहाँ पे इतनी एनर्जी लगाने का, मेरे यहाँ पे इतना मतलब फाड़ फाड़ के बोलने का कोई बेनिफिट नहीं, प्लीज आए इतना सा सपोर्ट कर दिया करो, जो करवा दू उसको दो बार रीडिंग कर लेना समझ के, ना समझ में आए तो कल अपा है अवेलेबल, आप कर लेंगे, ठीक है। अब अच्छे से वापस मैं वर्ड रिवाइज करवा रही हूँ, हमने जो आज की क्लास में स्टार्टिंग में करे, बस जल्दी से बोलो बस कमिंग, ये तो होमवर्क में लर्न करके आना, ठीक है, हॉक्स राइट, कॉक्स नज, ठीक है। अब आपको कोई याद है वर्ड जो मैंने शुरू में कराया और जो शुरू से जुड़ा हुआ है क्लास में, जल्दी से बता दो, मुझे भूल गए, बुक कौन सी रेकमेंड करनी है, बुक बस बस रवि बस हो गया, बस हो गया भाई, बस 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 बस, ठीक है। पल्लवी थैंक यू, यू आर स्टिल हियर, गॉट इट मैम, थैंक यू, प्लीज 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 स्टेप बाय स्टेप करवाते रहो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजिली ग्रास्प करना है, ग्रास्प वर्ड कर दो, नाइस लेक्चर, थैंक यू, कर दो, ओके ओके कर दिया, बस बस बस, कल से नोटबुक लोगी, सो लगे नोटबुक अच्छे वाली, थोड़ा बढ़िया रजिस्टर लेके आना, ठीक है। हाँ जी, और बोलो ग्रास्प,
आज के वर्ड एक्सॉल्टेड मुझे याद है, आपको याद नहीं है, वर्ड्स फटाफट से बोलते जाओ जितने वर्ड्स आज की क्लास में पढ़े। यहाँ पे मीटर चालू होता है बंद ही नहीं होता, पढ़ाने का पता नहीं क्या लगा रहता है। पैशन एक शौक है और कोई मजबूरी नहीं है, भगवान की दया से। चलो नज कैजोल, वेरी गुड। और कैजोल जल्दी से, बहुत सारे वर्ड्स करे थे, एक मिनट में लिख के बस बाय, ओके टाटा गुड नाइट हो जाएगा। थैंक यू यू, थैंक्स टू यू गाइस, थैंक यू। टॉप हो चुका है, अपेक्स हो गया, जैनित। अब इनके सिनोनिम अपने आप ढूंढ लेना जल्दी से, जैनित और जल्दी से जल्दी से। कस्प हो चुका है, अपेक्स अपेक्स। अब इनके सिनोनिम आपस में मिक्स कर देना ना, ऐसे लाइन बना बना के। चलो 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 जल्दी से, मुझे भी चपाती बनानी है अभी। डी फोकस, फोकस का वर्ड करा था एक, वो इनकरेज नहीं क्या था, जल्दी से एक वर्ड करवाया था मैंने, बहुत अच्छा मेरे पास है नहीं वर्ड मेरे माइंड में। पिनेकल करा था, कस्प एक्सॉल्टर पार्ले, वेरी गुड पार्ले। कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है पार्ले। और एक वर्ड आया जल्दी से, डीम, वेरी गुड, ये वर्ड चाहिए था मुझे अभी। डिम हो जाता है तो हमारा फोकस, हमारा कंसीडरेशन, हमारा कंसर्न क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, डाउन हो जाता है। हाँ जी चलो, जब लाइट डिम हो जाता है हमारा फोकस बिगड़ जाता है। पार्ले, पार्ले कंपनी की वजह से दो पार्टीज में कॉन्फ्रेंस हुआ कि किसको इसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है और किसको नहीं लेना। तो कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग होना दो पार्टीज में, ठीक है। चीट, ग्रास, नोटोरियस, वेरी गुड, नोटोरियस। और कोई और वर्ड याद है, 50 वर्ड आराम से होगी आज की। हाँ जी डीपली ही करवाते हैं कुलदीप, मेरी हैबिट है मुझे बहुत डीपली करवाने की बीमारी है। एक टॉपिक है मेरे को आदत है, पी पी 25-25 30-30 रूल्स करवा देती हूँ, मेरे से 2-4 रूल्स में खत्म नहीं होता टॉपिक कभी भी। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेंगे भी डीपली कराने की, अगर ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक देखो ना 30 रूल्स करवाती हूँ मैं अपनी क्लास में, ऑब्जेक्टिव के 30 रूल्स ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक के। और अगर बात करो आप ये जो नाउन का, नाउन के टॉपिक में आप मान के चलोगे 40 रूल्स मैं करवाती हूँ अपनी क्लास में, मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 रूल्स, ठीक है। तो डीपली करेंगे, हाँ जी जैनित। गेन, हाँ जी गेन, कैप्चर, सीज। चलो गाइस बहुत है, अब आपको याद हो गया है, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट करा, एंड थैंक यू गेन सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम हैप्पी टू टीच हियर, आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड कल फिर मिलते हैं हम, 8 o'clock आते ही हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपने वो कैप के वर्ड्स रिवाइज करके रखने हैं, पाले, नैब, कैप्चर, सीज, एक्सॉल्टेड, कस्प एंड ब्ला 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 जो भी है वो आपने याद करके रखने हैं, रिवाइज करके रखने हैं। कल की क्लास में नए वर्ड्स करेंगे, बट एंड ऑफ द लेक्चर बिल्कुल एंड ओके। आते मुझे सेंटेंस का टॉपिक थोड़ा ना और करवाना है, बिकॉज मैंने इसके लिए आपके लिए शीट्स बनवा के रखी है, सो दैट एंड ऑफ द सेशन आपको कल शीट्स मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। और आप जब हम नेक्स्ट मंडे मिले है ना, तो मैं आते हैं उसके खुद से ही आपको डाउट्स यहाँ पे बता दूं, जो भी आपके डाउट्स है मैं आपको बता दूंगी उसको, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स क्लियर करके फिर आप अगला नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आज कल मैं आपका एक टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। अब फटाफट से बाय बोल दो, फटाफट से थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक स्माइल दे दिया करो, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब इकट्ठे, ठीक है इकट्ठे। ओके बाय गाइस, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि अपना ये सेशन फर्स्ट था, अच्छा चला गया। हाँ जी वर्कशीट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। डीम मनप्रीत आ जाओ, बस अब तो अपनी बैटरी भी डीम हो चुकी है, डीम होगी फोकस बिगड़ रहा है, स्टूडेंट्स का भी फोकस बिगड़ रहा है, बट स्टिल देर आर 65, मोर देन 65 स्टूडेंट्स, ओ 68 अभी भी यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स बने हुए हैं। अगर आपको मन है अभी रुकने का तो फिर चालू कर देते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है, बट अभी ठीक है बहुत हो गया है। लिंक लगा दो जी प्लीज, हाँ जी जी स्वैग स्टाइल, ओके रिशु, थैंक यू गगन, थैंक यू कुलबीर, जसप्रीत, मनप्रीत, कुलदीप, ओके डियर कुलदीप, ठीक है। आर यू हैप्पी टू सी मी हियर, आई नो यू आर हैप्पी, आई नो यू आर हैप्पी। चलो ओके गौरव, राजू, रवि, जो भी हो फटाफट से बाय बोल दो, सो दैट आपके नाम मुझे याद हो जाए और अपन थोड़े दिनों में ही। और हाँ अगर आपको लगे कि आपको इंग्लिश ज्यादा पढ़नी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इंग्लिश क्लास 2 दिन रखनी है या 3 दिन रखनी है।
राइट। ये मेरा सजेशन ही था कि दो दो दिन हम हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएं ताकि हर एक सब्जेक्ट को बहुत सारे जब क्वेश्चंस मिल जाएं तो प्रैक्टिस कर पाओ। ये नहीं है कि मैं पूरा हफ्ता पढ़ाते रहूं, पूरा हफ्ता गिल सर पढ़ाते रहे, पूरा हफ्ता विशेष दीप सर पढ़ाते रहे, इतना इकट्ठा हो जाए फिर भागते हैं उस चीज से। थोड़ा कर लो बट क्वालिटी कंटेंट कर लो, जितना करो समझ में आए। ये नहीं कि एक लेक्चर में मैं जो भागे एक टॉपिक कवर करा दूं, चलो जी हो गया। मेरी ओर से तो होगा बट आपकी ओर से नहीं होगा, आई नो। बट आप में से कोई ऐसे भी होंगे जिनका लेवल थोड़ा अप होएगा इंग्लिश में, उनको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी चीजें बता दी। गाइस मुझे तो सबको लेके ही चलना है, कल के सेशन में कुछ डिफिकल्ट चीजें करेंगे, नई चीजें करेंगे। ओके बाय गाइस एंड प्रैक्टिस के लिए बुक फॉलो करिए। प्रैक्टिस के लिए मनप्रीत आप कर लो, लूसेंट बुक फॉलो कर लो, आई प्रेफर लूसेंट। किरण का बुक कर लो, किरण का भी अच्छा है, लूसेंट का भी कर सकते हो आप, है ना। केडी कैंपस का भी अच्छा है, मतलब तो बुक्स अच्छी होती है, बट बुक्स ना भरी पड़ी होती है बुक्स अपने घर पे। दिक्कत ये होती है कि हमें टॉपिक्स नहीं अच्छे से क्लियर, डाउट लेने वाला कोई नहीं होता। बुक्स आप कोई भी बुक एक लेके बाय करके रख लो, जैसे जैसे मैं कराती हूँ आप प्रैक्टिस करते जाना, बट कभी भी बुक्स इतनी हेल्प नहीं करती। आप जो मैं पीडीएफ देखते हो ना वो प्रैक्टिस करते हैं ना। और एक चीज और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू शेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है नित नेम बना लो कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए अपने कानों पे ईयरफोन लगा के सुन लो अच्छे से बात, 15 से 20 मिनट के लिए अपने कानों पे ईयरफोन लगा के कैमरे को फ्रंट मोड पे वीडियो ऑन कर लेना। मैंने फोन पकड़ा, ईयरफोन लगाया और फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो ऑन कर लेनी है। उसके बाद ना जो आपके सारे दिन का शेड्यूल है, मान लो आपने कुछ भी करा, अगर मैं बोलूं आई टॉट यू है ना, आई एंजॉयड माई लेक्चर है ना, इट वॉज नाइस क्लास, इट वॉज बोरिंग क्लास, ऐसा कुछ भी जो आपके माइंड में आता जाता है इजी इजी लैंग्वेज, वो 10 मिनट के लिए अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग में जरूर बोला, जरूर बोलो, गलत बोलो कोई चक्कर नहीं, कैमरा है हंसेगा थोड़ी ना। ईयरफोन लगा लो, मैंने भी ऐसे सीखा इंग्लिश, ईयरफोन लगा के सामने अपना फ्रंट मोड पे वीडियो ऑन कर लो, अपने फोन का कैमरा ऑन कर लो और उसपे अपने रूटीन के आप 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो, My friend is good, he is very bad, my family is very good, जब मेरे पास फोन नहीं होता मेरी family, I like my family and I go there to sit with them, मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे कुछ भी जो आपके मन में है ना, आप 10-15 मिनट में झूठ बोला करो, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी, पेपर क्लियर करना तो है ही है, उसके बाद आगे लेवल में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके 2 days and 10 बजे, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। टाइमिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्यों पायल क्या हो गया, पीडीएफ ही दो आप रजे, हाँ पीडीएफ ही लो, बुक्स मतलब 2 दिन ओके है, उसके बाद मैं आपको 100, 200, 300 क्वेश्चन दे दिया करूँ प्रैक्टिस करने, वो आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, इट इज मैंडेटरी कि होमवर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करके आप अगले सेशन में आओ, फिर मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी, फिर आप आगे चलेंगे, ठीक है। सदगुरु चैनल व्हाट इज दिस गाइस, रिवीजन इन टेलीग्राम, ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। टाइमिंग आप सेट कर लो जी, प्लीज सेट कर लो, फायर टाइमिंग 8 o'clock का रख लो, कन्वीनियंट है मेरे लिए भी, कन्वीनियंट है आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करो इधर उधर जो भी चीजें हैं, सबसे जरूरी चीज जो है उसको प्रायोरिटी में रखो, ठीक है गाइस, ओके है, चलो बाय बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो एंड गुड नाइट टू एवरीबॉडी, और बाय बोलो। कल का सेशन अपन शाम 8 o'clock स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले, देरी नहीं करनी हमें, बिकॉज आज पहला दिन था इसलिए देरी होगी। चलो ओके जी, बाय करें सर जी, सेशन बंद कर दो, ठीक है। हाउसवाइफ, अच्छा हाउसवाइफ हो, मैं भी अभी इन दिनों में तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, काम वाइंड अप कर लिया करो यार, काम वाइंड अप करके 8 o'clock से पहले रोटी बना के रख दो, उनको बोलो खा लेना भाई, इतना तो कॉपरेट करना ही पड़ेगा, अगर हम परोस के देंगे ना थाली में तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते, समझ रहे हो। इवन आई एम अ मदर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, आई हैव आल्सो सो मेनी ड्यूटीज, बट आई मैनेज ऑल द थिंग्स। मुझे पता है 8 बजे से पहले मैंने ये काम करके रखने रख देती हूँ, और मुझे अब पता है कि इसके बाद मुझे जाके चपाती बनानी है, 5-10 मिनट का काम है बना के खा लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। राइट गाइस, मन नहीं हो रहा आपके साथ जाने, आपसे मतलब बाय बोलने को, बट खाना खाना है, भूख लगी अपने को, तो चलो मिलते हैं कल अपन, कल की क्लास, ओके बाय।
नाइस टू सी यू बाय। ऑफ कैसे करते हैं मुझे ये नहीं पता, इसको ऑफ कैसे करते हैं सर, करें गिल सर प्लीज इस सेशन का आप ऑफ कर दो एंड ये वोकैबुलरी वर्ड स्टूडेंट्स याद कर लेंगे अपने आप, ठीक है। एंड बस तो कैसे ऑफ करते हैं सेशन को, बंद कैसे करते हैं, आई डोंट नो हाउ। अभी लाइक्स करो भाई, गाइस लाइक्स नहीं है, लाइक्स बहुत कम है सेशन के। लाइक बटन प्रेस नहीं करा आपने क्या? लाइक बटन प्रेस कर